हाय व्यूअर्स, दिस इज विविधता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। आज के ये वीडियो में हम पोटोनिक्स प्लांट का साउंड ड्रम जो है उसका साउंड टेस्ट करेंगे और लास्ट में हम इसका वाटर रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये पोटोनिक्स प्लांट का साउंड ड्रम जो है उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो मैं पहले दिखा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप मिस कर दिए तो स्क्रीन में एक आई बटन आ रहा है, वहां पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो में हम ये ब्लूटूथ स्पीकर को आउटडोर ले जाएंगे और वहां पे उसका साउंड टेस्ट करेंगे और लास्ट में इसका जो वाटर रेजिस्टेंस है वो भी हम चेक करेंगे, मीन्स अगर लाइट रेन वगैरह होता है तो ये डिवाइस में क्या असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा अब तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो अभी मैं ये साउंड ड्रम को मोबाइल फोन से कनेक्ट कर दिया हूं। तो अभी हम इसको गाड़ी के ऊपर रखेंगे और ये पूरा ओपन एरिया है तो यहाँ पे हम सुनेंगे इसका वॉल्यूम कितना दूर तक सुनाई देता है। जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा पीछे जाऊँगा और हम सुनेंगे वहाँ से इसका वॉइस कितना सुनाई देता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम फुल है तो मैं अभी इतना डिस्टेंस में हूँ तो यहाँ से आप सुन सकते हैं इसका आवाज़ कैसे आ रहा है। देखिए, तो अभी हम कम से कम 8-10 फीट डिस्टेंस में है तो यहाँ से आप सुन सकते हैं आवाज़ कैसे आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो अभी कम से कम 15 फीट डिस्टेंस में हम है तो यहाँ से आप सुन सकते हैं उसका आवाज़ कितना सुनाई दे रहा है। तो अभी हम 20 फीट डिस्टेंस में जाएंगे और सुनेंगे उसका आवाज़ कैसे आ रहा है। तो अभी हम कम से कम 20 फीट डिस्टेंस में है तो आप यहाँ से आवाज़ सुन सकते हैं उसका आवाज़ कैसे आ रहा है। अगर आप आउटडोर में जाते हैं या कोई भी पिकनिक वगैरह में जाते हैं तो इतना डिस्टेंस में आप आराम से इसमें कोई भी गाना वगैरह प्ले करके आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बारिश में भी ये प्ले हो रहा था, थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी वगैरह है फिर भी ये आराम से प्ले हो रहा है। तो अभी हम इसको पॉज कर दिए, अभी इंडोर में चेक करते हैं इसका आवाज़ कैसे आता है। तो ये साउंड रूम को अभी हम इंडोर में रखे हैं। ये जो रूम है ये 10-15 स्क्वायर फीट का है तो इसके अंदर हम फुल वॉल्यूम में इसका आवाज़ सुनेंगे कैसे आता है, हर एंगल से कैसे आवाज़ सुनाई देता है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ और फोन में कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। तो अभी हम एक गाना प्ले करते हैं यहाँ पे, तो इसको अभी हम फुल वॉल्यूम करते हैं तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसका आवाज़ कैसे आ रहा है। तो मैं अभी ये रूम में चारों तरफ घूम रहा हूँ तो आपको पता चलेगा इसका आवाज़ कैसे आ रहा है। तो मैं अभी काफ़ी डिस्टेंस में आ गया हूँ, कम से कम 10 फीट डिस्टेंस में हूँ तो यहाँ से पता कर सकते हैं इंडोर में इसका आवाज़ कैसे आता है। तो अभी कम से कम मैं 8-10 फीट डिस्टेंस में बैठा हूँ तो यहाँ से पता कर सकते हैं इसका आवाज़ रूम के अंदर कैसे आता है। तो मैं अभी आपको इसका आवाज़ सुनाया, अगर आपका रूम 10-15 स्क्वायर फीट का है या 15-20 स्क्वायर फीट का है तो भी इसका जो फुल वॉल्यूम है वो काफ़ी एनफ हो जाता है। तो आपको हमेशा रूम के अंदर अगर आपको हाई वॉल्यूम चाहिए तो आपको मैक्सिमम 75% इसका वॉल्यूम रखना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये साउंड ड्रम को आप आपका 100 टीवी में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आप सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ और यहाँ पे ऐड एक्सेसरी में क्लिक कीजिए और इसके बाद इसको ऑन कर दीजिए और ये ब्लूटूथ मोड में रहना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए साउंड ड्रम जो है वो आ गया है तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये पेयर हो जाता है, तो ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम एक प्ले करके इसमें सुनते हैं तो देखिए यहाँ पे आवाज आना चालू हो गया। तो इसका वॉल्यूम रखकर से भी आप साउंड कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम में कम कर रहा हूँ तो देखिए वॉल्यूम कम हो गया और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ता है। यहाँ पे प्ले एंड पॉज भी काम करता है तो ये देखिए ये पॉज हो गया, फिर यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये प्ले होता है। अगर आपके पास
अमेजन का फायर टीवी स्टिक है, तो भी आप इसको आपका टीवी में ब्लूटूथ के थ्रू पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपका अमेजन फायर टीवी स्टिक में आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद तो आपको रिमोट ब्लूटूथ डिवाइस में जाना है। उसके बाद वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो मैं पहले कनेक्ट कर चुका हूँ इसीलिए यहाँ पे साउंड रूम आ रहा है। तो आपको पहले आठ ब्लूटूथ डिवाइस में जाना है और इसको ऑन करना है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा ये सनसिंक मोड में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप साउंड ड्रम आ गया है। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो पेयरिंग द डिवाइस यहाँ पे आ रहा है, डिवाइस पेयर्ड। तो यहाँ पे मैसेज आ गया डिवाइस पेयर। तो उसके बाद आप इसमें कोई भी कंटेंट अगर वॉच करते हैं तो उसका आवाज इसमें आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो देखिए आवाज इसमें आ रहा है, और यहाँ से भी आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम कम हो गया, और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया। और यहाँ से प्ले एंड पॉज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये पॉज हो गया, अभी यहाँ से फिर से करते हैं तो ये रिज्यूम हो गया। तो आप आपका अमेजन फायर स्टिक को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और उसका ऑडियो जो है इसमें सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश हो रहा है और वहाँ पे मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। और यहाँ पे आउटडोर में भी इसका म्यूजिक क्लैरिटी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी इसको बारिश में रखा था, अभी भी ये आराम से बज रहा है और अच्छा साउंड इसमें आ रहा है। तो आप ये साउंड ड्रम को ब्लूटूथ में कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको एक ऑक्सिलरी केबल लेना पड़ेगा जो कि कंपनी प्रोवाइड नहीं करता, आपको ये अलग सा खरीदना पड़ेगा। तो अभी हम ये साउंड बार का साउंड टेस्ट किए, जैसे कि आउटडोर में अगर आप साइलेंट एरिया में है तो अप टू 30 फीट तक आप इसमें अच्छा से आवाज़ सुन सकते हैं, या कोई भी गाना बजाते हैं तो क्रिस्टल क्लियर आपको सुनाई देता है। अगर आप कोई नॉइजी एरिया में है या कोई शोर शराबा ज़्यादा है तो 20 फीट तक आपको आराम से इसमें आवाज़ आ जाता है। और जैसे कि हम इसमें वाटरप्रूफ टेस्ट किए तो लाइट रेन वगैरह में ये आराम से काम करता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। बट आप इसको कोई भी स्विमिंग पूल वगैरह में मत लेके जाइए, या स्विमिंग पूल में इसको गिराइए मत, या कोई भी बकेट के अंदर आप टेस्ट मत कीजिए क्योंकि उसमें इसके अंदर पानी जा सकता है। बट लाइट रेन वगैरह हुआ या शावर वगैरह में इसके अंदर पानी नहीं जाता है। अगर हम इसका इंडोर साउंड टेस्ट का बात करें तो मैं जैसे आपको दिखाया 10x15 स्क्वायर फीट का रूम था, उसमें भी इसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा था। तो आपको 100% अगर आप वॉल्यूम इसमें देते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा साउंड लगेगा। तो आप मैक्सिमम आप 15x20 स्क्वायर फीट का रूम के अंदर भी आप इसमें अगर गाना सुनते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगेगा। तो आप उसका वॉल्यूम मैक्सिमम 75% तक रख सकते हैं। तो फाइनली ये जो साउंड ड्रम है ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो आशा करता हूँ ये पोटरनिक्स ब्रांड का साउंड ड्रम का साउंड टेस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साउ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।